नमस्कार। द फोर फ्रंट नमस्कार। न्यूज चैनल का तरफ से आज हम फिर कालका इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। 7 तारीख को आखिरी विड्रॉल का दिन था, नामांकन वापस लेने की। वो पूरा हो चुका है। अभी जो लोग नामांकन भरे थे और जिन्होंने वापस नहीं लिया है, वो सब इलेक्शन लड़ने के तैयार है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालका के जाने माने व्यक्तित्व ब्रह्म प्रकाश जी, जिन्होंने पिछले दिन भी हमारे साथ चर्चा में थे। ब्रह्म प्रकाश जी, स्वागत है आपको। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब ऐसा है ब्रह्म प्रकाश जी, 7 तारीख का तो दिन निकल गया, जिन्होंने विड्रॉ करना था वो हो गया। जी अब तो जिन जिन्होंने रह गया वो अपना दमखम दिखाएंगे। अभी प्रार्थी, जैसे जी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन के लिए 8 प्रार्थी अभी वर्तमान में उसमें है, जिसमें निर्दलीय जी उम्मीदवार है 4, पवन कुमारी जी, विजय बंसल, नवदीप शर्मा और चरण सिंह। ये 4 उम्मीदवार निर्दलीय है। ये घनश्याम दास टांगड़ा, वो आपसे ये झाड़ू के सिंबल में लड़ेंगे, यस हाँ और सतिंदर सिंह टोनी इनेलो का तरफ से है, उनका चश्मा वाला सिंबल जी है, चश्मा और निशान। यस कुलदीप सिंह है बीएसपी के बीएसपी हाथी के। हाँ के निशान। तो हाँ, हाथी के निशान पर। अब रह गए हमारे कृष्ण लाल लंबा जी है भाजपा का तरफ से, कमल का फूल का निशान। जी तो अभी ब्रह्म प्रकाश जी, ये जो 8 इलेक्शन में रह गए जिन्होंने नामांकन भरा था और अभी उनको अपना अपना सिंबल भी मिल गया है जो निर्दलीय है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि अभी ये मामला दिलचस्प होता जा रहा है, कैंपेनिंग शुरू हो गया दिलचस्प है? तो कैंपेनिंग शुरू हो गया है। लोग जो कृष्णलाल लांबा जी ने तो पहले अपना कार्यालय खोल दिया था, विजय बंसल जी ने आज खोला है, पवन कुमारी शर्मा ने पहले खोल दिया था। ऐसे अभी अपने लोग अपने कार्यालय खोलने में और होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए हैं, तो अभी कैंपेन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। अब इसमें ना एक दिलचस्प चीज ये दिख रहा है कि जितने कैंडिडेट का हमने नाम लिया, जी इसमें कोई भी कैंडिडेट, मतलब पार्टी जिन्होंने सिंबल दिया है, जैसे इनेलो पार्टी है, बसपा पार्टी है, जैसे कैंडिडेट है उनकी, फिर आप पार्टी है, इन्होंने प्रधान के लिए चुनाव के लिए तो दिया है नामांकन, इनका है कैंडिडेट जो सिंबल पे लड़ेंगे, जी लेकिन 31 का 31 वार्ड में इनका है नहीं। क्या उनका कोई इससे फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ, ऐसा है कि बीजेपी ने सभी वार्डों में, एक वार्ड में शायद उनका नहीं है, 22 नंबर में, बाकी सभी वार्डों में उनके कैंडिडेट्स वार्ड के लिए भी सिंबल पर लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने भी काफी कैंडिडेट अपने सिंबल पर उतारे हैं, सब नहीं है, लेकिन कुछ वार्डों में उन्होंने सिंबल पे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो उससे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, जब ऊपर और नीचे दोनों एक ही सिंबल हो तो लोगों को चूज करने में आसानी होती है और उनको समझ भी जल्दी आती है बात के, दोनों को एक ही सीट, एक ही निशान पर दोनों सीटों को वोट करें। लेकिन जो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो उससे दिक्कत है। अब जैसे सतेंद्र टोनी के अलावा इनेलो का कोई कैंडिडेट या अभी तक कोई ध्यान में हाँ नहीं आया कि चश्मे के निशान पे हैं। हाँ ऐसी जजपा ने केवल, अब वो बड़ी सीट तो लड़ ही नहीं रहे, केवल नीचे की सीट पे लड़ रहे हैं, तो जजपा का भी कुछ वो कैंडिडेट है। सपोर्टेड है। हाँ हाँ, कुछ कैंडिडेट, लेकिन वो चुनाव निशान पे नहीं है, चाबी पर नहीं है, वो अलग अलग चुनाव निशान पे है, लेकिन वो होर्डिंग्स में अपने नाम और नेताओं की फोटो सब प्रयोग कर रहे हैं। तो बाकी तो सब बीएसपी ने कोई ऐसा अभी तक
नीचे के उम्मीदवारों की ध्यान में आया नहीं, सिर्फ उनके कैंडिडेट जो चेयरमैन के उन्हीं का ध्यान में आया है। बाकी अभी एक दो दिन में और क्लेरिफिकेशन होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं भी बीएसपी के किसी पार्षद का कोई चीज ध्यान में नहीं आया कि कोई नाम ध्यान में आया हो। अच्छा एक चीज इसमें ना, इस बार काफी दिन बाद इलेक्शन हो रहा है कालका में, ये जो 8 कैंडिडेट का बारे में हम बातचीत कर रहे थे, मैंने इनका ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी किया कि देखते हैं कि इनमें इंडिविजुअली किसका कहाँ जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली मतलब पार्टीगत तो पार्टी का वोट तो अपना होता है, लेकिन एक ये इलेक्शन जो नगर का जो ऐसे इकाई इलेक्शन में है, इंडिविजुअल का भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब इसमें मैंने देखा कि विजय बंसल जी, आपने कहा लांबा जी बड़ा अच्छे कैंडिडेट है बीजेपी के, विजय बंसल जी के अभी 40 साल से वो कालका में काम कर रहे हैं ऐसे मेरे को दिखा, लोगों से भी बताया जी। वो स्टूडेंट लीडर थे एनएसयूआई के, वाइस प्रेसिडेंट रहे और शुरू में कॉलेज से एनएसयूआई से जुड़े थे, फिर जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का भी वो रहे, वो कई गौशाला में भी जुड़े हुए हैं, खुद एडवोकेट है तो एडवोकेट का जनरली उस एरिया में प्रभाव रहता है। तो ये लांबा जी का साथ अगर हम तुलना करें तो कृष्णलाल लांबा जी का इनमें क्या ज्यादा, मतलब जो डायरेक्ट फाइट मतलब 1 और 2 का हिसाब से, क्या ये दोनों है या और कोई भी है? नहीं, पवन कुमारी शर्मा भी इंटरेक्ट करेगी, मुझे लगता है कि पवन कुमारी शर्मा सेकंड, फर्स्ट इज लांबा, सेकंड इज पवन कुमारी शर्मा, अच्छा, और थर्ड इज विजय बंसल। विजय बंसल जी यहाँ मार्केट बोर्ड के, कालका मार्केट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये बीच में एक बार कांग्रेस छोड़ गए थे, अच्छा, और इन्होंने बीएसपी से एक बार एमएलए का चुनाव भी लड़ा है 2009 में संभवत है, लेकिन वो बहुत 2-3-4 हजार में सिर्फ निवट गए थे, तो अच्छा। इसलिए व्यक्तिगत संबंध हैं, क्योंकि ये स्थानीय हैं एचएमटी में, इनके रहा करते थे, इनके फादर भी थे, लेकिन पॉलिटिकली एक तो कांग्रेस 3 जगह डिवाइड हो गया, 3 जगह डिवाइड हो गया है, तो जो ये 3 जगह डिवाइड होने का नुकसान जो है व्यक्तिगत वोटों पे भी होता है कि यार जीतना तो है नहीं। ये अगर हम थोड़ा पिछले चुनाव को, विधानसभा चुनाव को भी अगर थोड़ा सा मद्देनजर उस पर नजर डालें, तो कांग्रेस के वोट मिली लगभग 58 हजार ठीक है विधानसभा चुनाव में, और भाजपा को मिली 52 हजार, लगभग 6 हजार का डिफरेंस था। उसमें अगर हम कालका पिंजौर शहर को देखें तो कालका पिंजौर शहर में बीजेपी को वोटें ज्यादा थी और कांग्रेस को कम थी। हाँ, ये तो पिछली बार का, ठीक, हाँ पिछली बार का ही कह रहा हूँ, विधानसभा चुनाव का। अब उसको अगर हम इस परिषद चुनाव में ले आए तो कालका में जितने, कालका पिंजौर परिषद में जितने कांग्रेस के वोट है वो तो वैसे 3 जगह डिवाइड हो गए। हाँ, 3 जगह डिवाइड होने के कारण जो व्यक्तिगत वोटर है वो भी थोड़ा सा खिसक जाता है, जो आदमी आपको लगता है ना कि जब आदमी को लगता है ये जीत सकता तो 4 आदमी और डाल देते हैं भाव में वोट, लेकिन जब ये लगता है कि यार कांग्रेस तो पहले 3 जगह है तो इसलिए वो व्यक्तिगत वोट भी कम हो जाता है। और हर्ष कुमार चड्ढा जो पवन कुमारी शर्मा के पति हैं वो भी कांग्रेस में थे, वो बाद में भाजपा में आए, उन्होंने भाजपा में भी 5-6 साल गुजारे, लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव यहाँ से लतिका शर्मा के हारने के बाद वो वापस कांग्रेस में गए और उन्होंने वहां प्रदीप चौधरी के और शैलजा से अपना सेटअप किया और वो पिछले 1.5 साल से वो भी तैयारी में लगे हुए थे, तो वो उन्होंने पत्नी को पिछले 1.5 साल से पूरे क्षेत्र में प्रचारित किया था कि चुनाव लड़ने के लिए, और वो इसी कारण मुझे लगता है कि उसका भी अपना एक प्रभाव। तो ये तीन जो मैंने बताया, विजय बंसल, बोलिए, ये जो तीन नाम है तीनों, इनमें ये लगभग 19-20 में ही रहेंगे तीनों आपस में, तो इसलिए मेरा जो आकलन है कि भाई 30 हजार से कम वोट
विधानसभा में कालका पिंजोर क्षेत्र में कांग्रेस के। अब उस हिसाब से तो ये कहीं नजदीक जाते नहीं। लेकिन एक ना हम मैं भी जब पिछली 3-4 दिन हम लोग कालका और पिंजोर में घूम रहे थे, एक बात आ रहा था भाई साहब कि ये जो आपके कैंडिडेट है, वैसे तो आपके जो कैंडिडेट है घनश्याम दास टांगरा जो कैंडिडेट है आपके है, तो उनका घर भी हम गए थे, वहां पे जो लोकल लोग है भी, उनका उतना ज्यादा असर वहां पे हमें दिखे नहीं, लेकिन आपका एक सरप्राइज पैकेज रहता है, ये भी हमें भूलने से नहीं चलेगा। आप जैसे क्योंकि ट्रेडिशनल जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो पूरा देश में एक शिफ्ट होते नजर आ रहा है, वो आपकी तरफ खिसक रहा है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में कांग्रेस का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व का हो चाहे वो लोकल नेतृत्व का भी बात। तो अब ये आप एक पैकेज है सरप्राइज, हम उसको एकदम से ऐसे सिचुएशन में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आगे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपना जो असर है, क्योंकि 31 वार्ड है, सारी वार्ड में उनको कैंडिडेट्स दिए हैं नहीं दिए हैं भी तो कम से कम प्रचार के लिए घूमना पड़ेगा, और समय भी बहुत ज्यादा नहीं, आज 8 तारीख हो गए, कल आखिरी नामांकन विदड्रॉ करने के लिए लास्ट डेट था, अब 11 दिन रह गया। अब इस 11 दिन में वो कितना इस अपना प्रेजेंस शो कर पाए, तो इसका ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज एक चीज और है, इनेलो को तो जो कैंडिडेट है उन्होंने 2 बार पहले वो पार्षद थे, ये कैंडिडेट जो इनेलो का है सतेंद्र सिंह टोनी जी 2 बार पार्षद रहे, तो उनका भी पॉकेट में कुछ असर तो होगा। अब इसमें देखने वाला चीज रहेगी कि आगे जाके उसका क्या कैसे असर होता है। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा आंकलन बताता हूँ, आप फिर मुझे वहां के और बताएंगे कि कुलदीप सिंह जी जो बीएसपी से खड़े हुए हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी उनका अपना एक वोट बैंक है, और वो जो वोट बैंक है किसी भी पार्टी में उतना स्ट्रांग वोट बैंक बीएसपी जैसा नहीं है। जो बीएसपी का साथ जुड़ा हुआ है वो किसी और का साथ जाएगा नहीं, जब उनका अपना कैंडिडेट है तो वो भी एक स्ट्रांग प्रेजेंस दे सकते हैं। तो आपको ये सारे गुंदवत में क्या लगता है कि इन कैंडिडेट जिनको हम सोच रहे हैं कि वैसे तो दिख नहीं रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बट इनका क्या प्रेजेंस रहे? हाँ, जैसा आपने बताया आपके घनश्याम चौधरी टगरा से हैं, टगरा गांव है कालका के पास, वहां के रहने वाले हैं और गुज्जर समाज से आते हैं, गुज्जर जाति से, जिसके अब दिक्कत यह है कि वो पहले भाजपा में भी ट्राई कर रहे थे, भाजपा में भी कुछ समय रहे हैं, लेकिन वहां से नहीं बनी, तो वो एक अच्छी हस्ती है, बहुत ज्यादा क्षेत्र में कोई प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी जाति में एक जातिगत नेता थे, लेकिन वो भाजपा में आए और अब वो उनको आपसे टिकट मिल गया, जैसे कैसे भी वो मिल गया। ये ठीक है कि वो उनका अपना बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि गुज्जर समाज की वोटों पे प्रदीप चौधरी का भी प्रभाव है, लेकिन आपका जो एक इस समय मूवमेंट है पंजाब के कारण कह लो, कुछ वोट ऐसा फ्लोटिंग है और जो कांग्रेस से नाराज है और वो भाजपा को नहीं डालना चाहता, वो वोट जरूर आपके पास जाएगी, और वो मुझे लगता है ये भी ना हो कि वो ये जो कांग्रेस के 3 इंडिपेंडेंट है इनके आसपास ही आ जाए कहीं, और 1-2 से ऊपर भी आ जाए, हो सकता है ये एक डार्क हॉर्स भी साबित हो सकते हैं, लेकिन वो एकदम ऊपर आ जाएंगे ऐसा अभी तक क्षेत्र में जाने से नहीं लगता। जहां तक बात सतेंद्र टोनी की है, इनेलो के कैंडिडेट की, उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा है, एक बार जो नगर निगम
पंचकुला रहे हैं, उसमें एमसी रहे हैं वार्ड चार से, और उससे पहले नगर पालिका के भी पार्षद रहे हैं। लेकिन जब से इनेलो और जजपा का दो वार्ड हुआ है तब से इनका प्रभाव पिंजोर में लगभग खत्म। विधानसभा चुनाव जब लड़ा था पिछली बार तो इनको 4,000 वोट आई थी पूरे विधानसभा से, तो अब पूरे विधानसभा से 4,000 आई थी, तो पिंजोर कालका में उससे ऊपर तो जाना लगता नहीं किसी भी हालत में, उससे कम ही होगा बिल्कुल। बसपा का कैंडिडेट भी यहाँ कभी बसपा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही, एचएमटी के कारण एक बार बसपा में उभार आया जरूर यहाँ, क्योंकि वहां जो वो जातिगत संगठन उनके होते हैं वामसिफ वगैरह से जो बीएसपी में आए, और बीएसपी का उभार यहाँ एम्प्लॉय कारण के कारण पढ़े लिखे होने के कारण वो समाज जुड़ा, उन्होंने अपनी समिति शक्ति बनाई। इस अंबाला क्षेत्र में एक बार सांसद जरूर रहा बीएसपी का, लेकिन कालका विधानसभा में कभी कोई बड़ी शक्ति बीएसपी नहीं रही, और उनका भी कोई मुझे नहीं लगता कि वो गिनने लायक अभी कैंडिडेट हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भी इतना कोई कैंडिडेट भारी नहीं है कि भाई जो पूरे क्षेत्र में जिसका प्रभाव हो। हाँ, उनका कैडर वे वोट जो है, कैडर बेस वोट जो है वो उनको 2,500 मिलेगा। बाकी चरण सिंह रह गए चौथे आठवें कैंडिडेट, वो पिछले विधानसभा में भी कैंडिडेट थे और 400 वोट पाए थे, तो अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं उनका क्या वो प्रभाव रहने वाला है। निर्दलीय उम्मीदवार को आगे जाने के लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है, इतना आसान कोई भी निर्दलीय के लिए नहीं होता, क्योंकि सिंबल के में लड़ना एक आसान सा हो जाता है, जिसका फायदा शायद इस बार का इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट कृष्ण लंबाजी ले जाएंगे ऐसे लग रहा है, लेकिन स्थिति कभी भी बदल सकता है। और बीजेपी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, तो सत्ता के नजदीक जो रहता है तो उसमें आपस में फूट भी रहता है, तो ऐसे कोई बीजेपी के कैंडिडेट जो बागी खड़े हो गए हो, या उन लोगों को ये कैंडिडेट देने से नाराज हो, ऐसे कुछ आपको दिख रहा है क्या कालका में? कालका क्षेत्र में कुछ जगह पार्षद चेयरमैन की सीट पे तो जितने लड़ने वाले थे वो सब साथ में हैं, जो चेयरमैन की टिकट मांग रहे थे वो सब तो साथ में है, लेकिन पार्षद की जो वार्ड जो वाइज है उसमें अभी तक मेरे 4-5 वार्ड ऐसे ध्यान में आए हैं जहां भाजपा के राइवल खड़े हो गए। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान, उनमें से एक दो को जजपा ने भी अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा। भाजपा के कैंडिडेट को तो वो कुछ तो नुकसान करेंगे ही, अब वो थोड़ा सा जब कैंपेन चलेगा और हफ्ता एक हो जाएगा 4-5 दिन पहले थोड़ा सा आइडिया ले पाएंगे कि भाई वो कितना नुकसान कर रहे हैं। एक वार्ड में तो मेरे को ऐसे ध्यान में आया कि दो एक बीजेपी के सिंबल पे है और दो इंडिपेंडेंट है। अच्छा। तो बीजेपी के है जुड़े हुए ये... तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि रहता है ना जब लगता है कि भी ज्यादा जीतने के चांस ज्यादा है तो टिकट मांगने वाले भी ज्यादा होते हैं, और कुछ जगह रहता भी है के एकदम से नए लोगों को दे दिया, किसी बड़े व्यक्ति के प्रभाव में दे दिया, तो उसके कारण जो पुराने कार्यकर्ता उनमें भी एक दिक्कत पैदा होती है, एक रोष रोष आ जाता है। हाँ, तो कई जगह अभी 4-5 वार्ड मेरे को ध्यान में आए हैं ऐसे अभी और गहनता से इस पर काम करेंगे तो ध्यान में आएगा। कालका क्षेत्र में ज्यादा है, पिंजोर क्षेत्र में और नीचे कम है अभी। ऐसे करेंगे ब्रह्म प्रकाश जी, आज तो हम लोग ने फोकस किया चेयरमैन का, जो आठों कैंडिडेट थे उनके पार्टी के ऊपर, फिर हम मिलेंगे एक साथ, फिर उस दिन हम चर्चा करेंगे जो 31 वार्ड है उस वार्ड को, वार्ड में कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो कैसे लड़ रहे हैं,
और उनमें क्या गति प्राप्त हुई। तो आज हमारा एपिसोड यहाँ ही हम खत्म करते हैं। मैं फ्रंट फोर फ्रंट का तरफ से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये चैनल एक नागरिक पत्रिका का चैनल है, नागरिक पत्रकार जो है वो इस चैनल में भाग ले रहे हैं। हमें ऐसे पत्रकारिता आज का दिन में चाहिए जहाँ पे ग्राउंड से जो सच है वो निकल के आए। हम कोशिश करेंगे कल का इलेक्शन तक 19 तारीख तक कि आपको ग्राउंड के रियलिटी जो है आपका सामने लेके आएंगे। आपके लिए ब्रह्म प्रकाश जी आपको नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। और इस चैनल को आगे ले जाने के लिए मैं सभी दर्शक को गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट करें। नमस्कार।